Hi, welcome to the channel MBA Easy. We were discussing linear seating arrangement. In the previous two lectures, we have discussed about the conditions, the basic concepts and typical conditions that you will get in any seating arrangement puzzle. In the last video, we took up some small questions, simpler question of linear seating arrangement, just to demonstrate you as to how to solve linear seating arrangement. Agar question mein 7-8 conditions diya hua hai, तो किस कंडीशन से हमें स्टार्ट करना चाहिए ताकि मेरा पजल जल्दी क्रैक हो, किस कंडीशन को बाद में लेना चाहिए, है ना. सो वी डिस्कस दोज थिंग्स. टुडे वी विल टेक अप वन क्वेश्चन विच इज बेसिकली अ कैट क्वेश्चन. कैट 2019 में लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट जैसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन आया था. दिस इज नॉट अ प्योर नो सीटिंग अरेंजमेंट बट वेरी मच सिमिलर टू सीटिंग अरेंजमेंट, बट देर इज समथिंग एल्स दैट यू हैव टू नो आइडेंटिफाई हियर. तो इसी को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. दिस इज अ कैट 2019 स्लॉट वन क्वेश्चन. देखो, कहता है अ सुपरमार्केट हैज टू प्लेस 12 आइटम्स. सो देर आर 12 आइटम्स विच हैव टू बी प्लेस्ड हियर, कोडेड ए टू एल. सो दे आर कोडेड नो ए टू एल इन शेल्व्स नंबर्ड 1 to 16. सो देर आर 16 शेल्व्स एंड देर आर ओनली 12 आइटम्स. सो 16 शेल्फ्स में 12 आइटम्स मुझे प्लेस करना है. क्लियरली 4 शेल्फ्स खाली रहेगा. फिर कहता है 5 ऑफ दीज आइटम्स आर टाइप्स ऑफ बिस्किट्स. ओके, सो कुछ टाइप के बिस्किट हैं. 3 आर टाइप्स ऑफ कैंडी. सो कैंडीज आर 3, बिस्किट्स आर 5 एंड रेस्ट आर टाइप्स ऑफ सेवरीज. सो क्या क्या हो गया, देखो 5 + 3 = 8 है, 12 आइटम है टोटल. तो सेवरीज कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे. सो 5 बिस्किट्स, 3 कैंडीज एंड 4 सेवरीज. 5 + 3 = 8, 8 + 4 = 12. 12 आइटम हो गए. फिर कहता है ओनली वन आइटम कैन बी केप्ट इन अ शेल्फ. एक शेल्फ में एक आइटम रखना है. आइटम्स आर टू बी प्लेस सच दैट ऑल द आइटम्स ऑफ द सेम टाइप्स आर क्लस्टर्ड टुगेदर. ओके, विथ नो एम्प्टी शेल्फ्स बिटवीन द आइटम्स ऑफ द सेम टाइप. ऑल राइट. सो अगर मेरे पास 5 टाइप्स के बिस्किट है तो ये 5 बिस्किट्स टाइप के बिस्किट 5 लगातार शेल्फ्स में रखे जाएंगे. सिमिलरली 3 टाइप्स ऑफ कैंडीज है तो ये सभी 3 टाइप्स के कैंडीज 3 लगातार शेल्फ में रखा जाएगा, बीच में कोई एम्प्टी शेल्फ नहीं होगा. लाइक दैट एंड एटलीस्ट वन एम्प्टी शेल्फ बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स. दो अलग अलग टाइप के आइटम के बीच में कम से कम एक एम्प्टी शेल्फ होगा. जैसे आपने 5 बिस्किट को 5 शेल्फ में रख दिया, उसके बाद अगर आपको सेवरी अरेंज करना है तो कम से कम एक का गैप होना चाहिए, कम से कम एक एम्प्टी शेल्फ होना चाहिए मिनिमम. ओके, एट मोस्ट 2 एम्प्टी शेल्फ्स कैन हैव कंसेक्यूटिव नंबर्स. ऑलराइट, सो एक आपका मिनिमम होगा. 2 आइटम के बीच में एक एम्प्टी रख सकते हैं और मैक्सिमम 2 एम्प्टी रख सकते हैं. कहता है ना 2 ही एम्प्टी शेल्फ्स हैं जिसके कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे. शेल्फ नंबर 8, शेल्फ नंबर 9, 2 ही आप कंसेक्यूटिव रख सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं रख सकते हैं. जब 3 लगातार आप एक साथ एम्प्टी नहीं रख सकते हैं. ऑल राइट, तो इतनी बात समझ में आ रही है. सो फार सो गुड. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है. और सो देर आर अ बंच ऑफ कंडीशंस हियर, 7 कंडीशंस जिनको फुलफिल करते हुए मुझे इन सभी आइटम्स को अरेंज करना है. तो एक चीज तो क्लियर है कि देर आर 16 शेल्फ. सो लेट अस ड्रॉ दैट. 16 शेल्फ हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 and 16. So let us number it also. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. सो देर आर 16 शेल्फ्स, ऐसे करके 16 शेल्फ्स हैं. इसी में मुझे नो कुछ बिस्किट अरेंज करना है. कुछ कैंडीज अरेंज करना है एंड कुछ सेवरीज अरेंज करना है. ओके, एंड बिस्किट्स का नंबर दे रखा है 5,
candies are 3 and savories are 4. This much is known. सारे बिस्किट एक साथ पांच लगातार शेल्फ में आएंगे, सारे कैंडीज तीन लगातार शेल्फ में आएंगे और चार सेवरीज चार लगातार शेल्फ में आएंगे। टोटल हो गए 12 आइटम, शेल्फ है 16, यानी चार शेल्फ खाली रहेगा। और खाली कैसे रहेगा, कोई भी दो कैटेगरी के आइटम के बीच में कम से कम एक खाली रखना है। सो बिस्किट कैंडी के बीच में भी एक खाली रहेगा, कैंडी और सेवरी के बीच में भी कम से कम एक तो खाली रहेगा ही रहेगा। इतना हम लोगों ने अभी तक देखा है। आगे अब इन कंडीशंस को देखते हैं कि ये कंडीशंस क्या कह रहा है। इसे देखो क्या कहता है, ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन कंसेक्यूटिवली नंबर्ड शेल्व्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब है ए विल बी प्लेस्ड इन अ लोअर रैंक लोअर नंबर्ड शेल्व्स और बी विल बी प्लेस्ड इन अ हायर नंबर्ड शेल्फ। मतलब ए के ऊपर रहेगा बी। देखो हमने जो नंबरिंग किया है यहाँ पे हायर नंबर्ड नीचे से नंबरिंग किया है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो ए के ऊपर बी होगा और ए और बी एक टाइप का है, ये भी समझ में आ रहा है। सो आई नो ए एंड बी आर ऑफ सेम टाइप। जो भी आइटम कंसेक्यूटिव शेल्फ में रखा जाएगा वो तो सेम टाइप के ही होंगे। तो ए एंड बी सेम टाइप के हैं और इसके इसके शेल्फ नंबर कंसेक्यूटिव हैं। तो इसका शेल्फ नंबर अगर सपोज x है तो इसका सेल्फ नंबर होगा x प्लस वन, एक ज्यादा कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो यहां पे अगर 2 है तो ये 3 होगा, 3 है तो 4 होगा, 5 है तो 6 होगा, लाइक दैट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या कह रहा है। आई एन जे आर टू बी प्लेस्ड इन कंसेक्यूटिवली नंबर्ड शेल्फ्स बोथ हायर नंबर देन द शेल्फ्स इन विच ए एंड बी आर केप्ट। तो ये भी समझ में आ रहा है कि आई और जे भी चूंकि कंसेक्यूटिवली नंबर्ड शेल्फ्स में रखना है तो दे आर ऑफ सेम टाइप का है एंड दे हैव टू बी प्लेस्ड इन अ हायर नंबर्ड शेल्फ देन इन विच ए एंड बी आर केप्ट। तो ए और बी से ऊपर जाएगा आई और जे और आई और जे भी कंसेक्यूटिव ही रहेगा। ओके, सो अगेन वी कैन कंक्लूड कि आई एंड जे आर ऑफ सेम टाइप। A and B are of same type और ये भी कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सपोज अगर ये सपोज y है इसका शेल्फ नंबर, तो इसका शेल्फ नंबर y प्लस 1 होगा और y जो है वो x से ज्यादा होगा बिकॉज इनके ऊपर रखना है। क्वेश्चन में कह रहा है, फिर कहता है डी ई एफ आर सेवरीज एंड आर टू बी प्लेस्ड इन कंसेक्यूटिवली नंबर्ड शेल्फ्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर आफ्टर ऑल द बिस्किट्स एंड कैंडीज। आफ्टर ऑल द बिस्किट्स एंड कैंडीज, तो सबसे पहले नीचे में बिस्किट जाएगा, कैंडी जाएगा, उसके बाद ही क्या जाएगा, सेवरीज जाएगा। तो डी ई एफ सेवरीज है, तो सेवरीज के नंबर हमें कौन कौन से सेवरीज है वो मुझे पता चल गया। सेवरीज आर डी ई एंड एफ एंड चूंकि चार सेवरीज है तो कुछ और भी होगा सेवरी, डी ई एफ सेवरी है, ये समझ में आ रहा है। ओके, ऑल राइट। थर्ड वन फर्स्ट कंडीशन देख लिया हम लोगों ने, सेकंड भी देख लिया, थर्ड भी हम लोगों ने देख लिया। और डी ई एफ का प्लेसमेंट किधर होगा, सारे बिस्किट और कैंडी के ऊपर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, यानी नीचे डी उसके ऊपर ई उसके ऊपर एफ। फिर कहता है के इज टू बी प्लेस्ड इन शेल्फ नंबर 16। शेल्फ नंबर 16 का मतलब है कि सबसे ऊपर रखना है के को, तो इसका मतलब के भी सेवरी ही होगा क्योंकि सारे बिस्किट और कैंडी के ऊपर रखना है मुझे सेवरी को, यानी सबसे ऊपर सेवरी है और 16 नंबर शेल तो सबसे ऊपर है, इसका मतलब के भी क्या है, सेवरी ही है। तो ये भी समझ में आ रहा है, बहुत ऑब्वियस है कि के भी सेवरी ही है। तो जो चार सेवरी के आइटम थे वो मुझे मिल गया, डी ई एफ के आर सेवरीज, और के को रखना है मुझे शेल्फ नंबर 16 में और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना था डी ई एफ को। तो ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ D होगा, उसके ऊपर E होगा और उसके ऊपर F होगा। सो सेवरीज तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। L एंड J आर आइटम्स ऑफ सेम टाइप। L एंड J आर आइटम्स ऑफ सेम टाइप वाइल H इज एन आइटम ऑफ डिफरेंट टाइप। सो L और J सेम टाइप का, इसको लिख लेते हैं यहीं पे।
एल एन जे आर ऑफ सेम टाइप। तो देखो आई और जे भी सेम टाइप का है और एल एन जे भी सेम टाइप का है, इसका मतलब है कि एल एंड आई एंड जे आर ऑफ सेम टाइप। मुझे पहले से मालूम है कि आई एन जे सेम टाइप का है और क्वेश्चन में कह रहा है एल एन जे आर ऑल्सो ऑफ द सेम टाइप, इसका मतलब एल आई एंड जे ऑल थ्री आर ऑफ द सेम टाइप। ओके सो एल एन जे आर आइटम्स ऑफ द सेम टाइप वाइल एच इज एन आइटम ऑफ डिफरेंट टाइप। तो एच डिफरेंट है, एच इज नॉट सेम एज एल एंड आई। तो एच इज अ डिफरेंट आइटम, एच अलग होगा अदर देन एल आई एंड जेन जे। ये समझ में आ रहा है, चलो आगे देखते हैं क्या कहता है। सी इज अ कैंडी, तो ये भी एक चीज समझ में आ रहा है कि सी इज अ कैंडी एंड इज टू बी प्लेस्ड इन अ शेल्फ प्रिसीडेड बाई टू एम्प्टी शेल्फ। दिस इज इंपॉर्टेंट, टू एम्प्टी शेल्फ। सी के पहले वाले दो शेल्फ क्या रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे और सी कैंडी है। ओके सो देखो मुझे एक चीज समझ में आया कि सी इज अ कैंडी और सी के अलावा सी जहां भी रहेगा उसके नीचे वाले दो शेल्फ क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। इसका मतलब है कि सी जब से आपने कैंडी को अरेंज करना शुरू किया तो पहला जो टाइप का कैंडी आएगा वो कौन होगा, सी होगा। उसके ऊपर बाकी दो आएंगे। कैंडी कितने हैं, तीन टाइप के कैंडी हैं, उसमें एक टाइप मुझे मालूम चल गया सी, और सी के पीछे वाले नीचे वाले दो खाली रहेंगे। इसका मतलब है कि सी पहला कैंडी होगा जो हम एक साथ पहले रखेंगे, बाकी दोनों कैंडी सी के ऊपर आएगा। ये चीज समझ में आ रहा है, क्योंकि सी अगर ऊपर देंगे तो उसके नीचे तो दूसरा कैंडी आ जाएगा, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि सी के पीछे के दो सेल्फ खाली हैं, नीचे के दो सेल्फ। तो सी जहां भी रहेगा उसके नीचे वाले दो सेल्फ खाली रहेंगे। इसका मतलब कि जब आपने कैंडी अरेंज करना शुरू किया तो सबसे पहले सी आएगा, उसके ऊपर बाकी दोनों कैंडीज आएंगे, तभी तो सी के बीच पीछे वाले दोनों खाली रहेंगे। ओके ऑल राइट। फिर कह रहा है एल इज टू बी प्लेस्ड इन अ शेल्फ प्रिसीडेड बाई एग्जैक्टली वन एम्प्टी शेल्फ। एल के पीछे भी एक ही एम्प्टी शेल्फ रहेगा, इसका मतलब है कि एल जिस भी कैटेगरी का है उसके वो पहला होगा, अपने कैटेगरी में एल पहला होगा जिसको हम अरेंज कर रहे हैं, बाकी सारे जो होंगे एल के ऊपर ही होंगे। तभी तो जिसके भी पीछे सेल्फ खाली है वो उस कैटेगरी का पहला आइटम होगा जिसको आप अरेंज कर रहे हैं, बाकी सारे उस कैटेगरी के आइटम एल उसके ऊपर ही रहेंगे। क्योंकि अगर वो बीच में कहीं है या सबसे ऊपर है अगर एल, तब तो उसके नीचे उसी कैटेगरी के आइटम होंगे, जबकि एल के नीचे वाला शेल्फ खाली रखना है। यानी एल जो होगा वो पहला होगा अपने कैटेगरी का जिसको हमने शेल्फ पे रखा, बाकी सारे उस कैटेगरी के आइटम एल के ऊपर ही होंगे क्योंकि एल के पीछे वाला एक खाली है। ऑल राइट सो एल के पीछे खाली है, ये भी समझ में आ रहा है। एल के पीछे एम्प्टी है, सी के पीछे भी दो एम्प्टी है। आपने सेवरी सबसे ऊपर रख दिया, अब आपको डिसाइड करना है कि बिस्किट और कैंडी में से कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा। तो ये तो क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है कि किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है, तो बिस्किट भी ऊपर रख सकते हैं या कैंडी भी ऊपर रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे ये भी समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से बिस्किट है और कौन कौन से कैंडी है। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पे एल आई और जे सेम टाइप का है, एल आई और जे सेम टाइप का है, और अगर हम एल आई जे सेम टाइप का है तो सेवरी तो चारों हो गए, सेवरी तो क्लियर है। अगर एल आई जे सेम टाइप का है और उसको कैंडी में डाल दें तो कैंडी वाले चार हो जाएंगे, सी तो पहले से ही है, एल आई जे सी एल आई जे हो जाएगा, जबकि कैंडी कितने हैं, तीन ही है। इसका मतलब एल आई जे अगर सेम टाइप का है तो वो कैंडी नहीं होगा, वो क्या होगा, बिस्किट होगा। तो मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि एल आई और जे तो डेफिनेटली बिस्किट ही है, कैंडी नहीं हो सकता, बिकॉज कैंडी में डाल देंगे तीनों तो कैंडी चार हो जाएंगे, जबकि कैंडी हैं कितने, टोटल तीन ही हैं। सो एल आई जे आर बिस्किट, ये समझ में आ रहा है। अब बच्चा ए और बी और एच, अब ये समझो अगर आप ए और बी सेम टाइप का है और ए और बी को अगर आपने कैंडी में डाल दिया तो कैंडी तो पूरे हो जाएंगे। अगर ए और बी सेम टाइप का है तो ये सेम टाइप का बिस्किट भी हो सकता है और कैंडी भी हो सकता है। देखो बिस्किट है पांच, हमने फिक्स किया है तीन, कैंडी भी है तीन, हमने फिक्स किया है एक, तो दो कैंडी भी पता करना है, दो बिस्किट भी पता करना है। ए और बी सेम टाइप का है तो सेम टाइप का है तो दोनों बिस्किट भी हो सकता है या दोनों कैंडी भी हो सकता है। लेकिन आप ऐसे देखो, अगर आपने कैंडी में डाल दिया ए और बी को तो इसका मतलब है कि बाकी सारे बिस्किट में जाएंगे। इसका मतलब जो ये एच बचा हुआ है ये एच भी किधर जाएगा, कैंडी में जाएगा, बिस्किट में जाएगा।
जबकि एच का टाइप एल आई और जे से अलग था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कंडीशन कि एच इज अ आइटम ऑफ डिफरेंट टाइप, तो यहां पे लिखा है ना एल एंड जे आर आइटम्स ऑफ द सेम टाइप व्हाइल एच इज एन आइटम ऑफ डिफरेंट टाइप। सो एल इज एन आइटम व्हिच इज ऑफ डिफरेंट टाइप देन एल। एल और एच का आइटम का टाइप सेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग ए और बी को कैंडी में डालें तो एच को डालना पड़ेगा बिस्किट में, तो बिस्किट में डालेंगे तो एल और एच का टाइप सेम हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एल और एच का टाइप सेम नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कैंडी नहीं होगा ए और बी, ए और बी बिस्किट ही है। सो ए एंड बी आर ऑल्सो बिस्किट, तो बिस्किट हो गए सारे। अब जो बच गया वो क्या होगा, कैंडी होगा, तो एक तो एच ही बचा हुआ है, और आप देख लो ए से लेके बीच में एक जी बच रहा है, सो जी बच गया तो जी होगा यहाँ पे। सो मुझे ये पता चल गया कि बिस्किट कौन कौन से हैं, कैंडीज कौन कौन से हैं और सेवरीज कौन कौन से हैं। बिस्किट 5, कैंडी 3 और सेवरी 4, ये आइटम फिक्स हो गया। उसमें एक सेवरी आपने पहले ही फिक्स कर लिया है कि नो ऊपर में 4। अब 4 के बाद आप ऐसे सोचो कि आपको जब आपने आप बिस्किट अरेंज करोगे तो एल के पहले भी एक गैप देना है, तो एक एम्प्टी सेल्फ वहाँ छूटेगा। सी के पहले भी कैंडीज में, क्वेश्चन में ही कह रहा है कि सी के पहले दो एम्प्टी सेल्फ होना चाहिए, तो दो एम्प्टी सेल्फ वहाँ छूटेगा। तो सी के पहले दो, एल के पहले एक, दो एक तीन एम्प्टी सेल्फ तो ऐसे ही छूट गया, और एक एम्प्टी सेल्फ तो आपको देना ही पड़ेगा ना, एक कैटेगरी और दूसरे कैटेगरी, दो कैटेगरी के बीच में कम से कम एक एम्प्टी सेल्फ तो होना ही चाहिए, तो एक एम्प्टी सेल्फ यहाँ पे हो गया। तो 4 एम्प्टी सेल्फ हो गए, और 4 ही तो एम्प्टी सेल्फ होंगे बिकॉज 12 आइटम्स हैं और 16 सेल्फ है, तो 4 ही एम्प्टी होगा, और वो 4 एम्प्टी का मुझे समझ में आ रहा है कैसे होगा। सो थिंग्स आर नो बिकमिंग वेरी क्लियर नाउ कि कैसे मुझे अरेंज करना है। अब इसमें दो केस हो सकता है, या तो मैं बिस्किट को ऊपर रखूँ कैंडी को नीचे रखूँ, या कैंडी को ऊपर रखूँ और बिस्किट को नीचे रखूँ। तो एक बार अरेंज कर लेते हैं। जैसे अगर आप पहले बिस्किट रखोगे, तो सपोज आपने पहले इसको रखा, तो मुझे पता है कि एल के पीछे खाली है एक, यानी एल सबसे नीचे होगा, तो एक छोड़ दो उसके बाद 1 2 3 4 5 आप सबसे नीचे बिस्किट में एल को ही डालोगे, एल को ही डालोगे, है ना। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था कि ए और बी सेम टाइप का है और कंसेक्यूटिव है, आई और जे भी सेम टाइप का है और कंसेक्यूटिव है, लेकिन आई और जे का जो प्लेसमेंट होगा वो ए और बी से हायर होगा। क्वेश्चन में देखो लिखा था आई एंड जे आर टू बी प्लेस्ड इन कंसेक्यूटिवली नंबर्ड शेल्फ बोथ हायर नंबर्ड देन द शेल्फ्स इन विच ए एंड बी आर केप्ट। तो ए और बी से ऊपर रखना है मुझे किसको, आई एंड जे को, तो उसी ढंग से अब अरेंज कर दो। आई और जे को ए और बी से ऊपर रखना है, तो ए और बी कंसेक्यूटिव है तो पहले ए फिर बी, आई और जे कंसेक्यूटिव है तो पहले आई फिर जे, और जे का और आई और जे का रैंक और शेल्फ नंबर ए और बी से हायर है, ऊपर है, तो ये बिस्किट सेट हो गया। अब एल के बाद आपको एक छोड़ना है, तो आपने एक छोड़ दिया, और उसके बाद आपको क्या अरेंज करना है, सी एच और जी, और कैंडीज में सबसे नीचे सी ही आएगा, 1 2 3 कैंडीज में सबसे नीचे सी ही आएगा बिकॉज सी के नीचे दो एम्प्टी शेल्फ्स मुझे छोड़ना है, तो दो एम्प्टी शेल्फ छोड़ दिया। अब बचा एच और जी, अब एच और जी में से कौन कहाँ जाएगा ये मुझे नो डिसाइड करना है कि किधर होगा, एच किधर जाएगा और जी किधर जाएगा। तो एक बार देखो इसमें तो दिया नहीं है ना, जस्ट लुक एट दिस कंडीशंस में ये बोला है ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन कंसेक्यूटिवली नंबर्ड शेल्फ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो द ऑर्डर इज फिक्स्ड फॉर ए एंड बी। आई एंड जे आर टू बी प्लेस्ड इन कंसेक्यूटिवली नंबर्ड शेल्फ बोथ हायर देन द शेल्फ्स इन विच ए एंड बी आर केप्ट। नाउ सी हियर, I and J are to be placed in consecutively numbered shelves in increasing order नहीं लिखा है, यहाँ पे increasing order A और B के लिए लिखा था, I और J के लिए increasing order नहीं लिखा है, तो I और J में से कोई भी ऊपर और कोई भी नीचे हो सकता है, this is one point, and similarly, if you see here, मैंने यहाँ पे I and J किया, it can be I and J like this also. इट कैन बी आई एन जे लाइक दिस ऑल्सो बिकॉज आई और जे में इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं दिया था, ए और बी में दे रखा था इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ए बी का सीक्वेंस फिक्स है बट आई और जे का सीक्वेंस फिक्स नहीं है। सिमिलरली जो बाकी दो कैंडीज हैं एच और जी, इनका भी सीक्वेंस के बारे में कुछ बताया नहीं है, जी के बारे में तो क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन नहीं दिया है, तो एच और जी के बारे में भी प्लेसमेंट को लेकर कोई बात नहीं है। सो वी कैन हैव एच हियर, जी हियर और एच हियर एंड जी। इस केस में आपने सबसे नीचे रखा कैंडीज को, फिर बिस्किट को, फिर सेवरी को, एंड आप देखो
एक और केस हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 and 16, हमने देखा ये तो फिक्स था सेवरी का KFED। इसके बाद यहां मैंने बिस्किट लगाया था पहले, आप पहले कैंडी भी लगा सकते हो, तो कैंडी लगाओगे तो अगेन एक गैप छोड़ के तीन कैंडी जाएंगे, इसमें सबसे नीचे सी रहेगा। अब उसके ऊपर में एच और जी का कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, सो इट कैन बी एच जी और जी एच बोथ वेज, ठीक है। और सी के बाद आपको दो एम्प्टी सेल छोड़ना था, तो सी के बाद दो छोड़ दो, उसके बाद आप बिस्किट लगा लो, और बिस्किट में भी एल के नीचे एक छूटा रहेगा, तो एल सबसे नीचे आएगा, उसके बाद ए और बी आएगा, बिकॉज ए और बी के ऊपर आई और जे है, सो ए और बी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ए और बी का तो सीक्वेंस फिक्स है, बट आई और जे कंसेक्यूटिव बोलता है लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बताता है, क्वेश्चन में कंडीशन में नहीं दिया, तो आई और जे का भी नो सीक्वेंस फिक्स नहीं है, सो इट कैन बी आई जे और इट कैन बी जे आई बोथ वेज, तो सारे, तो ऐसा भी हो सकता है बिस्किट फिर कैंडी फिर सेवरी, सो दीज आर दी पॉसिबल अरेंजमेंट्स। सो यही था, सो दिस वाज, एज यू कैन सी, ये सीटिंग अरेंजमेंट का ही पजल है, आपको अरेंजमेंट ही करना है, बट इट इज नॉट जस्ट प्योर सीटिंग अरेंजमेंट, वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा आइटम किस टाइप का है, कितने आइटम किस में जाएंगे, इसको किस तरह से प्लेसमेंट करना है, सो देर आर नो थिंग्स अदर देन सीटिंग अरेंजमेंट ऑल्सो दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। सो दैट इज हाउ कैट नो बिल्ड्स अपॉन द कन्वेंशनल टॉपिक। ये कन्वेंशनल टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट है जो बहुत सालों से कैट में आ रहा है और कई एम बी एंट्रेंस एग्जाम में आता है, बट कैट हैज ग्रोन बियॉन्ड प्योर सीटिंग अरेंजमेंट और प्योर नो लॉजिकल पजल्स, दे हैव एडेड समथिंग हियर, दो दिस वॉज नो आई वुड से अ मॉडरेट और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन इन कैट, बट एज यू कैन सी दिस इज नॉट 100% प्योर सीटिंग अरेंजमेंट, देर हैड टू बी समथिंग, नो देर इज समथिंग एल्स अदर देन सीटिंग अरेंजमेंट दैट यू हैव टू बॉदर अबाउट। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन है जल्दी से देख लेता हूं, क्या बोलता है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द आइटम्स बी अरेंज्ड ऑन द शेल्फ्स, कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। देखो दो केस बन रहा है, इस केस में चार बनेगा, कैसे, एक बार एच जी आई जे, एच जी जे आई, फिर जी एच आई जे, जी एच जे आई, सो देर आर फोर पॉसिबल अरेंजमेंट हियर, सिमिलरली फोर पॉसिबल अरेंजमेंट हियर, सो 4 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 8 पॉसिबल वेज आर देयर, सो द आंसर इज ऑप्शन डी 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ टाइप ऑफ बिस्किट, इसमें से कौन बिस्किट नहीं है, एज यू कैन सी हमने बिस्किट क्या देखा था, बिस्किट्स वर ए बी एल आई जे, ए बी एल आई जे है ना, बिस्किट्स आर ए बी एल आई जे, सो ए बी एल तो बिस्किट है, जी बिस्किट नहीं है, सो जी इज द आंसर, जी इज नॉट अ टाइप ऑफ बिस्किट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द एम्प्टी शेल्फ्स इन अ पॉसिबल अरेंजमेंट, कौन कौन से शेल्फ एम्प्टी हैं, चेक कर लो, 1 7 11 12, एक बार चेक करो 1 7 11 12 है या नहीं, 1 तो है बट 7 नहीं है, 1 है 7 है, यहां भी 11 नहीं है, सो दिस इज रूल्ड आउट है ना। देन 1 5 6 12, एक बार इसको भी चेक कर लो, 1 5 6 12, 1 तो है, 5 नहीं है, यहां भी 5 नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो रूल्ड आउट। देन नेक्स्ट 1 2 6 12, 1 2 6 12 है या नहीं, चेक, लेट्स सी, 1 2 तो है यहीं पे, सो 1 इज एम्प्टी, 2 इज एम्प्टी, 6 इज ऑल्सो एम्प्टी एंड 12 इज ऑल्सो एम्प्टी, सो 1 2 6 12 आर दी एम्प्टी शेल्फ्स, तो ये तो खाली दिख रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 6 नंबर और 12 नंबर, 1 2 6 12 आर एम्प्टी शेल्फ्स है ना, सो द आंसर इज 1 2 6 एंड 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी एम्प्टी शेल्फ्स पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो क्या क्या हो सकता है, 1 2 6 एंड 12 कैन बी एम्प्टी शेल्फ्स,
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू? कह रहा है देयर आर टू नेसेसरली ट्रू, रिमेंबर दिस इज नेसेसरली, नेसेसरली मीन्स डेफिनेटली। कहता है देयर आर टू एम्प्टी सेल्स बिटवीन बिस्किट एंड कैंडीज। देखो जरा बिस्किट और कैंडी के बीच में क्या दो है, ये है आपका बिस्किट और ये आपका कैंडी। बिस्किट और कैंडी के बीच में दीज आर बिस्किट्स, दीज आर कैंडीज। बिस्किट और कैंडी के बीच में यहाँ पे तो एक ही एम्प्टी शेल्फ है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिस्किट और एम्प्टी के बीच में दो एम्प्टी शेल्फ है, 8 and 7, 7 and 8, और यहाँ एक ही है। तो ये डेफिनेट नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एम्प्टी शेल्फ एक भी हो सकता है, एम्प्टी शेल्फ दो भी हो सकता है। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट, यू नो, सो वन इज रूल्ड आउट, ए इज रूल्ड आउट। ऑल कैंडीज आर केप्ट बिफोर बिस्किट, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, बिकॉज हमने दो अरेंजमेंट देखा था, एक बार कैंडीज को पहले बिस्किट को बाद में, और एक बार बिस्किट को पहले और कैंडीज को बाद में। तो ऑल कैंडीज आर केप्ट बिफोर बिस्किट, ये भी गलत है। ऑल बिस्किट्स आर केप्ट बिफोर कैंडीज, ये भी गलत हो जाएगा सेम रीजन से। फिर कहता है देर आर एटलीस्ट फोर शेल्फ्स बिटवीन बी एंड सी। लेट्स सी ये हो रहा है कि नहीं, तो होना इसी को चाहिए। बी और सी के बीच में कम से कम चार है, यहां पे देख लो, ये है बी और सी का सेल्फ्स, 3 नंबर एंड 9 नंबर, तो बीच में तो है ही है कम से कम चार। एक बार इधर देख लो, ये आपका 9 नंबर हो गया सी का, 4 नंबर हो गया आपका बी का, इनके बीच में भी तो चार है ही है। तो यही ऑप्शन सही लग रहा है कि बी और सी के बीच में कम से कम चार शेल्व्स तो है ही है खाली। कम से कम चार का मतलब चार भी हो सकता है, चार से ज्यादा भी हो सकता है। सो है ना, देयर आर एटलीस्ट फोर शेल्व्स बिटवीन आइटम्स बी एंड सी, दिस इज करेक्ट। सो दिस वॉज योर नो सेट ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट, सेट बेस्ड ऑन सीटिंग अरेंजमेंट। I would say this is almost 70 to 80% seating arrangement. There are 20% extra things that you have to determine. For example, you have to figure out which item belongs to which category. कौन बिस्किट है, कौन कैंडी है, कौन सा आइटम सेवरी है, ये सब थोड़ी बहुत चीजें मुझे पता करनी थी। बाकी पूरा का पूरा सीटिंग अरेंजमेंट का ही पजल था। These types of questions are not asked very frequently, but remember, you never know. These are easier topics in CAT. और इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा, जैसे आपने यहाँ पे भी देखा, दिस वुड फॉल इनटू इजी टू मॉडरेट कैटेगरी, एंड मोस्ट ऑफ द सीरियस एस्पिरेंट्स वुड बी इन अ गुड पोजीशन टू क्रैक दीज टाइप्स ऑफ पजल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। विल कम अप विथ अनदर नो ब्यूटिफुल लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पजल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।